सर, नमन आपको। ज्यादा कुछ नहीं लिखा, आप लोगों को पता है कि हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम से लिखते हैं। थोड़ा सा लिखा है, कुछ लिखा ऐसा है कि थोड़ा सा आपको इसका बताना चाहूंगी इसके बारे में कि मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मैं कहाँ जाऊँ। इससे मतलब ये है कि हमारी राज्य सरकार ने अभी एक अभियान चला रखे हैं नारी गरिमा को लेकर। जैसे कि मासिक धर्म के दौरान आज भी दुर्गम क्षेत्रों में, गांव में महिलाओं को बाहर बैठने पर मजबूर किया जाता है कि जी वो दो रात मासिक धर्म के दौरान बाहर काटे, तो उससे महिला नारियों पर क्या इफेक्ट होता है या उनकी क्या व्यथाएं हैं, उस पर मैंने दो शब्द लिखे हैं। क्योंकि इसी महोदय के साथ मैंने भी जो पहला अभियान था जाना गांव में, वो मैंने अटेंड किया था, तो बस वहीं से एक उन महिलाओं की व्यथा को देखकर कुछ शब्द दिमाग में थे जो उतारे हैं, आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं कहां जाऊं, एक महिला, एक नारी समाज से ये प्रश्न करती है और बोलती है कि आप सब मुझे बताएं कि मैं कहां जाऊं। वो कहती है, रात का अंधेरा चुपता मुझको, रात का अंधेरा चुपता मुझको, कैसे सुनाऊं गाथा तुझको, तिल तिल मरती रहती हूं, जाने क्या क्या सहती हूं। महिला कहती है कि तिल तिल मरती रहती हूं, जाने क्या क्या सहती हूं, दे दे कोई मुझको दिशा। वो एक दिशा मांगती है समाज से, दे दे कोई मुझको दिशा, मैं हूं तेरे घर की त्विषा। त्विषा से अर्थात है रोशनी, मैं हूं तेरे घर की त्विषा। मान सम्मान की भूखी हूं, फर्ज से कभी ना चूकी हूं, अपना हक कहां से लाऊं, तू बता दे मैं कहां जाऊं। आगे वो समाज से दोबारा से रिक्वेस्ट के तौर पर ये कहती है कि कभी देव समाज की भेंट चढ़ी, कभी देवी देवताओं की दुहाई दी जाती है, कभी देव समाज की भेंट चढ़ी, कभी परंपराओं की जली कटी, कभी अस्मत से होता खिलवाड़, सहती दर्द में बारंबार, ताने तंज भी सुनती हूँ, जाने क्या क्या सहती हूँ, मान सम्मान की भूखी हूँ, फर्ज से कभी ना चूकी हूँ, अपना हक कहाँ से लाऊं, तू बता दे मैं कहाँ जाऊं। अंत में वह समाज को उसकी सोच बदलने पर मजबूर करती है और चुनौती देती है कि यदि सोच नहीं बदली तो ऐसा भी हो सकता है। वो कहती है, सोच बदलनी होगी तुझको, है जीने का हक भी मुझको, करना होगा तुझे विचार, नहीं सहूंगी अत्याचार, देखेगा तू मेरा रूप, बदल दूंगी तेरा परिरूप, महिला हूं सशक्त हूं मैं, बदलता हुआ वक्त हूं मैं, वेद पुराण की भक्ति हूं मैं, आज की नारी शक्ति हूं, दे दे कोई मुझको दिशा, मैं हूं तेरे घर की दिशा, मान सम्मान की भूखी हूं, फर्ज से कभी ना चूकी हूं। अंत में वो फिर पूछती है कि अपनी गरिमा कैसे बचाऊं, अपनी गरिमा कैसे बचाऊं, तू बता दे मैं कहां जाऊं। धन्यवाद। इसी के साथ आपको एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूंगी कि नारियों पे ही आधारित हिमाचल की पहली पत्रिका, मासिक पत्रिका हिम नारी शक्ति का विमोचन इसी महीने मुख्यमंत्री द्वारा हम लोग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे। वो पत्रिका मैंने एक नारियों के लिए निकाली है जिसका विमोचन हम इस महीने करने जा रहे हैं।